सर्व धर्म प्रेमी भाई बहनों ने डॉक्टर किरीट मेहता ना नमस्कार। आज आप गुरुकृपा ज्योतिष भक्ति सत्संग चेनल में 84 लाख योनि शू है कई है ए बाबते बात करीश। आपणे साधु संतो पासे कथाकारों पासे एवं सांभळीए छीए कि आ जीव जे छे ए 84 लाख योनि में फरी फरी अने पछी आ मनुष्य योनि प्राप्त करे छे। तो आ 84 लाख योनि कई छे? स्थावरे लक्षविंशत्यो कृमिजम नवलक्षकम जलजम रुद्रलक्षम च अंडजम दशलक्षकम पश्वादीनाम लक्षत्रिंशत् चतुर्लक्षश्च वानरे ततो मनुष्य तात् प्राप्तिर् कर्माणि साधयेत्। स्थावर एटले के स्थिर योनि, जे हलनचलन न करी शके एवा एटले के वृक्षो। आ स्थावरे लक्षविंशत्यो ए 20 लाख प्रकारना छे। त्यार पछी कृमिजम नवलक्षकम, कृमि कीटक आदि जे नाना नाना जीवो छे ए 9 लाख प्रकारना छे। जलजम रुद्रलक्षमश्च, जलना जीव जे छे, जलनी अंदर रहता जीवो ए रुद्र लक्ष एटले के एकादश रुद्र छे एटले 11 लाख प्रकारना छे। अंडजम दशलक्षकम, अंडज एटले के पक्षीओ जे छे ए 10 लाख प्रकारना छे। पश्वादीनाम लक्षत्रिंशत, पशुओ जे छे ए 30 लाख प्रकारना छे। चतुर्लक्षश्च वानरे, 4 लाख प्रकारे वानरो छे। अने त्यार पछी ततो मनुष्य तात् प्राप्ति रतः कर्माणि साधयेत्। त्यार पछी आ बधी योनियोमां जन्म लेता 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 मनुष्य प्राप्ति थाय छे। एटले आपणे हवे जोईए के स्थावरम एटले के हलनचलन न करी शके एवा वृक्षो जे छे 20 लाख प्रकारना, एटले के 20 लाख थया। त्यार पछी कृमि कीटक वगैरह जे छे 9 लाख प्रकारना कया, एटले 29 लाख थया। अने त्यार पछी पाणी एटले के जीवनी अंदर जे जीवनारा प्राणीओ छे ए रुद्रश्च एटले के 11 लाख, एटले 29 ને 11 40 लाख थया। पक्षीमां 10 लाख गिण्या, अंडजम 10 लक्षश्च एटले 40 ને 10 50 लाख थया। त्यार पछी पशुओ जे छे पशुवादीनाम लक्षत्रिंशत, 30 लाख प्रकारना कहेवामां आव्या, एटले 50 ને 30 80। अने चतुर्लक्षश्च वानरे, 84 प्रकारना लक्षणोना वानरो छे। आ प्रमाणे 80 ને 4 84 थया। आ 84 लाख योनि शास्त्रमां बतावामां आवेली छे। अने आ 84 लाख योनिमां रमण करता करता जन्म लेता 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 अने अंते पछी आ मनुष्य योनि प्राप्त थाय छे। मनुष्यत्व दुर्लभ छे, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः, एम जे ऋषिमुनिओ कहे छे, कथाकारो कहे छे, साधु संतो कहे छे। એમાં જે આ 84 લાખ યોની કઈ એ આપણું જે અંગત જે મંતવ્ય જાણવાની ઈચ્છા હોય, કુતૂહલ હોય કે ભાઈ આ 84 લાખ યોની કઈ, તો આજે આ અમે આપને જણાવ્યું। આવું ને આવું ધાર્મિક વિષય બાબતે કંઈ પણ નવું જાણવા માટે અથવા તો આદિવ્યાધિને ઉપાધિથી બચવા માટેના શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયો જાણવા માટે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને લિંક આપશો, જેથી કરીને આપની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અમારા વિડીયો આ પ્રમાણે આવતા રહેશે। આજે બસ એટલું, અસ્તુ, ગુરુદેવ દત્તા।